हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के द्वारा लॉकडाउन को लेकर दिए गए बड़े बयान को लेकर। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सीएम अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों, सरकार का लॉकडाउन लगाने का दोस्तों क्या कुछ इरादा है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वहीं दोस्तों, क्या स्कूलें एक बार फिर से बंद होगी इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि आने वाले हर एक नई अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, आज राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा केस आने वाले क्योंकि सैम्पलिंग ज़्यादा हुई है। इसी बीच दोस्तों, पिछले कई दिनों से राजस्थान के अंदर जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरियंट है उसके केस भी बढ़ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, सीएम गहलोत अब रोज़ जो समीक्षा बैठक ले रहे हैं और इसके अंदर अलग अलग निर्णय ले रहे हैं। कल भी दोस्तों बैठक हुई थी लेकिन उसके अंदर स्कूलों को ओनली जयपुर के अंदर बंद किया गया था। वहीं दोस्तों, सीएम गहलोत ने उस बयान में स्पष्ट कर दिया लॉकडाउन के बारे में कि क्या लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, सरकार का लॉकडाउन लगाने का विचार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सीएम गहलोत ने कहा है कि सरकार का लॉकडाउन लगाने का विचार बिल्कुल नहीं है, लोग खुद प्रोटोकॉल की पालना करें। सीएम ने ऐसा बोल दिया दोस्तों, कहा है कि लोग खुद प्रोटोकॉल की पालना करें, लॉकडाउन लगाना हमारा कोई इरादा नहीं है, सभी कोरोना वैक्सीन लगवाएं। सीएम गहलोत का ये बड़ा बयान है दोस्तों लॉकडाउन को लेकर। तो दोस्तों, लॉकडाउन राजस्थान के अंदर लगाने पर ये सीएम गहलोत ने पूरी तरीके से मना ही कर दी है। वहीं दोस्तों, अब पूरे राजस्थान के अंदर स्कूलों का संचालन अभी तक हो रहा है लेकिन 50% क्षमता कल कर दी गई थी। तो कहीं 50% क्षमता के बाद भी स्कूलों के अंदर से यदि कोई केस आएंगे तो फिर दोस्तों सरकार को फिर ज़्यादा दोस्तों दबाव पड़ने पर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अभी तक दोस्तों इसका कोई इरादा नहीं है। तो कहीं देखिए, जल्दी इसको लेकर अपडेट आती है, मैं आपको ज़रूर से दे दूँगा। आने वाले हर एक नई अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपके ज़िले का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।